Coaching Centre, and Institute of Science and Commerce. Hi, students, This is Abhagat Ali, and uh, from today onwards, we are going to start the new subject, Teaching Aptitude and Higher Education. Okay. This video is going to benefit the students who are preparing for B.Ed. entrance, uh, UPB.Ed., CTET, UPET, etc. Okay. So, in this video, we will start with the introductory part. Se. जहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड वी विल स्टडी अबाउट ऑल द टॉपिक्स विच मस्ट बी कवर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग आवर सेल्स फॉर द बी एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ठीक है ना सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कंटेंट्स से कंटेंट्स में हमारे पास टोटल 19 चैप्टर्स हैं जो हमने कंपाइल किया है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ओके okay? तो ये पढ़ने से पहले समझने से पहले जरूरी ये है कि हम लोग ये समझ लें कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है या हायर एजुकेशन क्या है और कैसे सवाल इनसे आते हैं वाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट द टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो आएम टॉक अबाउट बी एड एंट्रेंस एम यू बी एड हो या जामिया बी एड हो या यू पी बड हो या इग्नो बी एड हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का बेड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो जब आप एग्जाम में अपियर होते हैं तो प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए तो ये सारी चीज़ें जो टीचिंग एप्टीट्यूड या हायर एजुकेशन में आती हैं वो जनरली नहीं पढ़ाई जाती हैं ये जी एस का पार्ट नहीं है जो हम एम बी एंट्रेंस के लिए पढ़ते हैं या बैंक पी ओ एस एस सी के लिए पढ़ते हैं या पी सी एस के लिए पढ़ते हैं या यू पी एस सी के लिए पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ओके दिस टॉपिक्स आर इंटायरली डिफरेंट तो ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को समझें उसके बाद इस सब्जेक्ट में जितने कंटेंट हैं जितने चैप्टर्स हैं उनको समझें ओके सो फर्स्टली टीचिंग एप्टीट्यूड ओके टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है जब आप एम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं ऑब्वियसली बायोलॉजी में एनाटोमी है जेनेटिक्स है फिजियोलॉजी है ओके okay? बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट ब्रांचेस कार्डियोलॉजी है ऑपथालमोलॉजी है, uh, है तो ये क्लास एलेवंथ और ट्वेल्थ में जो बायोलॉजी आप पढ़ते हैं है ना नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी एस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ओके okay? कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहा है इंजीनियर बनना चाह रहा है तो वो दैट मीनस बीटेक करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ओके okay? अगर किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हो और वो इंजीनियर बनना चाह रहा हो दिस इज इम्पॉसिबल किसी को डॉक्टर बनना है और वो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं हो दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल ओके और इसी तरीके से अगर कोई एम करना चाह रहा है उसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है उसको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है उसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है कैसे वो एम करेगा दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल तो उसी तरीके से जब आप बी एड एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या तैयारी करने की सोच रहे होते हैं तो आपके अंदर ये एटीट्यूड ये क्वालिटी ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि टीचिंग क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे हम डेवलप करते हैं इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं रोल ऑफ टीचर क्या है क्लासरूम क्या है ओके टीचिंग प्रोसेस क्या है हरी बात समझ में तो ये सारी चीज़ें जब कम्बाइंड एक जगह पर आती हैं इकट्ठी होकर के तो वो कहलाती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड दैट मीन्स योर इंटरेस्ट योर इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स द प्रोफेशन दैट इज कॉल्ड टीचिंग ठीक है ना तो ये एक टीचर के लिए ट्रेनिंग करने के लिए उसको ट्रेन करने के लिए उसके अंदर ये इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि वो फ्यूचर में एक अच्छा टीचर बन पाए ठीक है ना तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं आप बी करने के बाद क्या करेंगे बी करने के बाद आप बैंक में जॉब तो करेंगे नहीं बी करने के बाद आप क्या बिजनेस करेंगे नो द पर्पज ऑफ डूइंग बी एड और परसुंग बी एड इज़ दैट आफ्टर कम्प्लीटिंग योर बी एड विल बी वर्किंग एज ए टीचर आप कहीं पर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में ऐसे टीचर जॉब करेंगे ठीक है ना तो जब वहाँ पर आप जाएंगे तो क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए आपका रोल क्या होना चाहिए कैसे आप इस प्रोसेस को इस मेथड को आप आगे बढ़ाएंगे कैसे आप बच्चों को गाइड करेंगे कैसे आप बच्चों को ट्रेन करेंगे क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए क्या क्या स्किल्स हैं जो इससे पहले नहीं थी अब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद होंगी तो इसको हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली दिस इज टू ईयर्स कोर्स बी एड बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड इन दैट कोर्स बेसिकली दिस इज ट्रेनिंग कोर्स दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेस तो ये डिफरेंट इस सेंस में है कि यहाँ पे इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं साइकोलॉजी बताई जाती हैं चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है क्लासरूम क्या है टीचिंग मेथड्स क्या हैं टीचिंग प्रोसेस क्या है डिफरेंट वेज़ ऑफ टीचिंग क्या है एक साइंटिफिक स्टडी है एजुकेशन की ठीक है ना साइंटिफिक स्टडी होने के साथ साथ ये एक तरीके से ट्रेनिंग कोर्स है एक वेल ट्रेन टीचर बन आप निकलते हैं फिर जब आप किसी स्कूल में जाते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं डिजन मैटर बहुत सारी वैकेंसीज भी आती रहती हैं जो सिर्फ बी किए हुए स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं जैसे सी हो गया यूपी हो गया तो बी के बेस पे आपको जॉब मिलती है ठीक है ना पहले ये होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद से वो टीचिंग में आते थे लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको लिमिट कर दिया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद से जो स्टूडेंट्स बी करेंगे उनको ये जॉब मिलेगी वो पर्पस ये है कि जब आप बीएड एड कर ली चुके होते हैं तो आप एक वेल well ट्रेन टीचर हो जाते हैं आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत नहीं होती आपको एक्स्ट्रा टीचर्स असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती सारी टेक्निकल चीज़ें प्रोफेशनल चीज़ें स्किल्स आपको पता होती हैं जो आप ऑलरेडी बीएड के टाइम में पढ़ चुके होते हैं ठीक है ना तो इस कंबाइंड स्टडी को हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड अरे बात समझ में तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया दूसरा ये है हायर एजुकेशन इन हायर एजुकेशन बेसिकली हायर एजुकेशन स्टार्ट विद क्लास एलेवेंथ है ना इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पी एच डी इनको हम हायर एजुकेशन बोलते हैं टेंथ लेवल की स्टडीज को हम स्कूल एजुकेशन बोलते हैं ओके <coughs> तो इसमें क्या होता है हायर एजुकेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बी एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो ऐसे पूछे जाते हैं जैसे हायर एजुकेशन में जो सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे गवर्नमेंट में हमारे कंट्री में वो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ठीक है ना एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देर वॉज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओके मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ये सवाल पूछा भी जाता है इंट्रेंस में ठीक है लेटर ऑन इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बना दिया गया फिर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब बनाई गई ये भी एक सवाल है एक एक एस्पेक्ट पे हम नजर डालेंगे 2020 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को हटा करके फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाई गई ठीक है तो ये सुप्रीम अथॉरिटी है जो कंट्री के यानी इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ सारे कॉलेजेस ओके okay, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं सारे स्कूल्स जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं जैसे नवोदय विद्यालय केंद्र विद्यालय है ना बहुत सारे स्कूल्स हैं तो उनको ये गवर्न करती है एडमिनिस्टर करती है ओके द गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर डन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ठीक है ना आपने ये भी नाम सुना होगा यू जी सी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बेसिकली दिस इज अ बॉडी विच ग्रांट्स फंड्स टू द यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं फंड्स प्रोवाइड करती हैं ना इसको हम यू जी सी बोलते हैं सेक्रटेट ऑफ हायर एजुकेशन ये भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है ओके सेक्रटेट ऑफ स्कूल एजुकेशन तो ये सारे गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं इंस्टीट्यूशनस हैं पार्ट हैं ठीक है, है, है ना जो सारे स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं ठीक है ना तो इनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं हायर एजुकेशन ठीक है ना अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं हमें लिटरेसी रेट पढ़ना होता है हमें डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना होता है एक सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में पढ़ना होता है ठीक है ना एक साइंटिफिक स्टडी के बारे में हमें पढ़ना होता है कि एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ़ इंडिपेंडेंस वट वॉज आवर लिटरेसी रेट मेल लिटरेसी रेट फीमेल लिटरेसी रेट डिकेटल ग्रोथ इन लिटरेसी रेट दस साल के अंदर हमारा लिटरेसी रेट कितना ग्रोथ किया है ठीक है अर्बन लिटरेसी रेट रूरल लिटरेसी रेट है ना तो ये सारी चीज़ें क्या हैं और किस चीज़ में आती हैं वो सारी हायर एजुकेशन में आती हैं ठीक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे कंट्री का कैसा है ओके okay? कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो हमारे कंट्री के एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं या मैनेज करती हैं जैसे एन है ओके okay? ए है ओके okay? तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या रोल है कब इस्टब्लिश हुए कौन इनको गवर्न करता है कहाँ से इनकी फंडिंग होती है एंड हाउ फार दे हैव बीन सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ इन डिलीवरिंग देयर ड्यूटीज़ तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में ठीक है तो ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई बेसिकली ये कंबाइंड स्टडी है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं अपने स्टूडेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ें सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप ऐसे स्कॉलर ना पढ़ें आपको यहाँ रिसर्च नहीं करना है ओके वॉट इज द मेन टारगेट योर मेन टारगेट इज टू क्वालिफाई बी एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग यू पी बी एड जामिया बी एड एम यू बड जो भी बी एड आप अप्लाई तो तो कर रहे हो आई एम प्रेटी श्योर कि ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद से यू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू क्वालीफाई एनी एग्जामिनेशन ऑफ बी एड ये मेरी गारंटी है और इसमें कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं छूटेगा जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी हम एक एक चैप्टर को सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसकी थियरीज को समझेंगे ओके और उसके बाद उस जो भी चैप्टर है उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और वो भी क्वेश्चन करेंगे जो उस पर बेस्ड लास्ट प्रीवियस एग्जामिनेशन में कहीं पूछे गए हैं जैसे बी में पूछा गया है जामिया में पूछा गया यूपी टेट में पूछा गया है बहुत सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं विल डू ऑल द क्वेश्चन तो इस तरीके से आपके पास एक बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा और आपकी आपका सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपके अंदर ये एप्टीट्यूड अपने आप डेवलप हो जाएगा एंड आई एम श्योर यू विल क्वालिफाई बी एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ठीक है एवरी ईयर मोर देन फोर्टी और फिफ्टी स्टूडेंट्स क्वालिफाई बी एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम आर कोचिंग ठीक है ना तो आपको वहां पे जो सीनियर स्टूडेंट्स मिलेंगे वो हमारे कोचिंग के ही मिलेंगे दे विल हेल्प यू ओके तो ये बात हो गई टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशन की अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड मार्क्स हंड्रेड मार्क्स का ये एग्जाम होता है हंड्रेड मार्क्स में ये टोटल हो गया आपका हंड्रेड मार्क्स में इंग्लिश आती है ट्वेंटी फाइव की रीजनिंग आती है ट्वेंटी फाइव की और टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड में दो पार्ट है एक तो हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड जो आता है थर्टी फाइव मार्क्स का और उसके बाद हायर एजुकेशन अब हायर एजुकेशन में भी दो पार्ट हैं एक तो हायर एजुकेशन जहाँ पे आप गवर्नमेंट एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस बोर्ड्स मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं ओके और इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है जो आपको कवर करना है मैं कराऊंगा कवर वो ये है करंट अफेयर्स ऑफ एजुकेशन अभी करंटली जो भी चीज़ें हो रही हैं जैसे न्यू इकोनॉमिक सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई टू में ठीक है ना तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं कितने सालों बाद आई ठीक है ना ये क्या लॉ है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको पास किया या गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है ये क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या था और क्या क्या चेंजेस इसमें हुई हैं वो हम लोग पढ़ेंगे ठीक है यूजीसी का चेयरमैन कौन है यूपीएससी का चेयरमैन कौन है ओके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को किस डेट में हाई मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी वुमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चेंज किया गया किस डेट में किया गया वो हम लोग पढ़ेंगे अभी अपडेट्स क्या हैं कुछ चीजें हम सेंसर से लेकर पढ़ेंगे लिटरेसी रेट ठीक है ना डिफरेंट जो सर्वे करती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ना कि स्कूल में अभी क्या सीनारियो है स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट ड्रॉप आउट्स हैं ठीक है ना तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में हायर एजुकेशन और करंट अफेयर्स ये होता है फिफ्टी मार्क्स का तो ये आपके टोटल हो गए 100, ठीक है इंग्लिश को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लासरूम में मैंने पढ़ाया था इंग्लिश 25 मार्क्स की इंग्लिश होती है और इनका लेवल एवरेज होता है बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है रीजनिंग भी आप पढ़ चुके हैं ओके क्लास ऑफलाइन भी हुई थी और अभी ऑनलाइन भी हो रही है आपने सारे एस्पेक्ट पढ़े रीजनिंग के ओके okay? और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग कवर करेंगे ये टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स तो आपको फोकस इस पर ज्यादा करना है और कुछ जो डेटा होंगे करंट अफेयर्स के हायर एजुकेशन से रिलेटेड वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा सो यू कैन ईजिली स्कोर फाइव मार्क्स आई एम वेटी कॉन्फिडेंट ओके ये इतना टफ नहीं है बहुत आसान है जरूरत इस बात की है कि आप इंटरेस्टेड होकर इस सब्जेक्ट को पढ़ें और सारे टॉपिक्स को कवर करें ओके okay? आप पहली बार पढ़ रहे होंगे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी बट आई एम टू हेल्प यू ठीक है तो सबसे पहले हम एक एक चैप्टर्स को इंडिविजुअली समझेंगे कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है या किसके बारे में हमें बताता है ये एक्चुअली है क्या चीज नाउ लेट्स बिगिन मिथ

ठीक है ना तो आपको बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर के कंसंट्रेटेड होकर के आपको ये सारी चीजें पढ़नी है बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बस थोड़ा सा समझना है आपको कि बेसिकली ये ये है क्या चीज़ क्या किसके बारे में हम पढ़ते हैं तो बस ये जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद इस पर बेस क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा ओके सो दिस इज़ वेरी इजी नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मंथ दैट इज कॉल्ड टीचिंग अब ये टीचिंग क्या है इज अ प्रोसेस पहला चैप्टर है यह टीचिंग तो इस चैप्टर में हम कुछ थीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कुछ कोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कुछ कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फिलासफर्स हैं एजुकेशन के जो टॉप मोस्ट फिलासफर्स हैं या जिन्होंने एजुकेशन में कुछ कंट्रीब्यूट किया है एजुकेशनल फिलासफी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो वो टीचिंग को किस नज़रिए से देखते हैं उनका अपना व्यू पॉइंट क्या है ना उनकी नज़र में ये टीचिंग क्या है और क्या होना चाहिए तो हम ज़्यादा नहीं पाँच छः स्कॉलर्स के डिस्कशन को देखेंगे पाँच छः स्कॉलर्स के कोर्ट्स को देखेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे ठीक है टीचिंग वॉट इज़ टीचिंग अब आपसे अगर मैं पूछूँ वॉट इज टीचिंग तो आप क्या बताएंगे टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच अ टीचर कम्स इन द क्लास एंड ही स्टार्ट्स टीचिंग स्टूडेंट्स ये बताएंगे ना आप क्योंकि बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं जब हम फोर और फाइव ईयर्स के होते हैं तो हमें नर्सरी में डाल दिया जाता है वहाँ पे हम क्या करते हैं टीचर आते हैं वहाँ में पढ़ाते हैं फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं डेली का ही रूटीन होता है तकरीबन बाईस तेईस साल तक यही चलता रहता है कि जब हम थोड़े से बड़े होते हैं हम स्कूल में जाते हैं फिर जब हाई स्कूल कर लेते हैं उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं या अनफॉर्चुनेटली एम जैसी जगह में अगर आप आ गए स्कूल में क्लास सिक्स या नाइन्थ में आ गए तो फिर तो आप एच डी करके निकलेंगे यहाँ से <laughs> ये एक पॉसिबिलिटी है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी सारी एक सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाती हैं ओके okay? तो ये टीचिंग अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हम टीचिंग ऐसे प्रोफेशन पढ़ेंगे इसके क्या थीरीज़ हैं डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या अपने व्यू पॉइंट दिए ओके okay? और आपका नज़रिया क्या है तो जब आपका व्यू पॉइंट पूछा जाएगा तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा कि आप इसको एज ए प्रोफेशन कैसे देखते हैं ये बहुत आसान होता है जब आप ये चीज डेवलप करना शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड तो धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी कि ये एक्चुअली है क्या टीचिंग डज नॉट स्टिक टू क्लास ये एक प्रोसेस है एक साइंटिफिक अप्रोच है ये एक स्किल है जो हर आदमी नहीं कर सकता है नॉट ऑल इंडिविजुअल इवन दो इज एजुकेटेड हीस डॉक्टरेट बट इवन ही इज अनेबल टू टीच आखिर वो क्या रीज़न है क्या चीज़ें वो लैक करता है कहाँ पे उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है और सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है टीचिंग में तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी quality टू बिकम ए टीचर इज is your इंटरेस्ट इन टीचिंग सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लेकिन उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होने के अलावा इस प्रोसेस में आपको इंटरेस्ट होना पड़ेगा दैन ओनली यू विल बी अ गुड टीचर तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे टीचिंग में टीचिंग प्रोसेस क्या है डिफरेंट कोर्स क्या है और इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये भी मैं बताता चलूँ कि इस पर क्वेश्चन किस बेस पर आएंगे एक कोर्ड दिया होगा फिर ये लिखा होगा कि किसने ये सेंटेंस कहा है ठीक है और दूसरी बात कुछ इसके एस्पेक्ट्स होंगे कि आपकी नज़र में टीचिंग क्या है अब चार ऑप्शन दिए होंगे वन एंड टू टू एंड थ्री थ्री एंड वन बोथ ऑल वन टू थ्री ऑल टू थ्री फोर ऐसे ऑप्शन होते हैं ठीक है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया नेक्स्ट आते हैं थियरीज ऑफ टीचिंग पे <coughs> जब जब आप साइंस पढ़ते हैं तो जब आप साइंस पढ़ते हैं साइंस में एक चैप्टर है मोशन हाँ तो जब आप मोशन पढ़ते हैं तो आपको याद होगा क्लास नाइन्थ और टेंथ नाइन्थ में पढ़ाया जाता है ये क्लास नाइन्थ के फिजिक्स में है क्लास नाइन्थ में फिजिक्स में एक चैप्टर है मोशन तो आपको शायद याद हो निटर्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ये क्या है लॉ है ठीक है उसी तरीके से फिजिक्स में और आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट जाएंगे तो थीरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे आप डाल्टन एटॉमिक थियोरी पढ़ा होगा आपने ये बहुत ही कॉमन थियोरी है डाल्टन एटॉमिक थियोरी रदर फोर्स थियरी पढ़ा होगा ना जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मेंडल के बारे में पढ़ते हैं जेनेटिक्स ओके मेंडल फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मेंडल को बोलते हैं गार्डन पी पे उन्होंने रिसर्च किया था आ रही बात समझ में जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं थियोरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन के बारे में आप पढ़ते हैं तो जब भी किसी सब्जेक्ट की शुरुआत होती है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप फिलासफर्स हैं टॉप स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना व्यू रखा जिन्होंने पॉसिबली कुछ चीजों को देखा और एक थियरी दी उसी को बोलते हैं थियोरी आपको उस थेरी को पढ़ना पड़ेगा जब आप उस सब्जेक्ट को समझना शुरू करेंगे तो आपको थियरी भी पढ़नी पड़ेगी ओके तो उसी तरीके से डिफरेंट थियरीज ऑफ टीचिंग क्या है ओके हम लोग यहाँ पे तीन चार या पांच स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी अलग अलग थियरीज दी हैं ठीक है बहुत सारी थियरीज हैं अभी मैं डिटेल में कुछ नहीं बता रहा हूं डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम सब्जेक्ट को ये इस चैप्टर को इंडिविजुअली पढ़ेंगे अभी ये इंट्रोडक्शन है बस मैं एक व्यू पॉइंट दे रहा हूं मैं एक आईना दिखा रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी है यहां पर हां आई विल भी हैंडलिंग ऑल दिस चैप्टर्स आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और आपको प्रिपेयर रहना है ठीक है ना तो ये थियरीज ऑफ टीचिंग हो गई डिफरेंट थियरीज क्या है टीचिंग के ठीक है टीचिंग स्किल्स हर प्रोफेशन के लिए एक स्किल की जरूरत होती है कोई डॉक्टर है तो डायग्नोसिस की स्किल होती है उसकी वो नफ्स देख के बता देता है कि आपका फीवर कितना है आपकी तबीयत कितने दिनों से ख़राब है एक इंजीनियर होता है जब वो प्लांट में जाता है तो प्लांट के हालात को देखते ही समझ जाता है कि इसमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ठीक है ना एक अकाउंटेंट है जब आप उसको बैलेंस शीट दिखाते हैं तो जब बैलेंस शीट दिखाते हैं तो बैलेंस शीट तो को लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को देख के वो बता देता है कि कंपनी कितने प्रॉफिट में है कितने लॉस में है ओके तो उसी तरीके से यहाँ टीचिंग स्किल्स में हम डिफरेंट स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं डिफरेंट स्किल्स का मतलब कि प्रोफेशनल नॉलेज प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज अब इसमें क्या क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई इंटरप्रिटेशन स्किल्स हो गई एनालिटिकल स्किल्स हो गई अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हो गई साइकोलॉजिकल स्किल्स हो गई एक टीचर एक सिंपल टीचर जो इंडिया में टीचर्स की ज्यादा इज्जत नहीं होती लेकिन गल्फ में यूरोपियन uh, कंट्रीज में अमेरिका में डिफरेंट uh, कंटीनेंट्स में डिफरेंट डेवलप्ड नेशंस में सबसे ज्यादा इज्जत टीचर की होती है बिकॉज दे आर नेशन बिल्डर्स दे बिल्ड द नेशन बाई गिविंग क्वालिटी एजुकेशन टू देर स्टूडेंट्स ओके तो डिफरेंट स्किल्स में ये सारी चीज़ें हो गई कि एक टीचर इफेक्टिवली अपने कंटेंट को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग को सक्सेसफुली कैसे अपने से स्टूडेंट को ट्रांसफर करता है जो चीज़ें उसके दिमाग में हैं जो अंडरस्टैंडिंग उसकी है जो सोच या जो नॉलेज उसके पास है वो इफेक्टिवली और सक्सेसफुली कैसे अपने स्टूडेंट्स को देता है ई होती है स्किल्स ओके और यही एक सक्सेसफुल टीचर की पहचान होती है ठीक है माइक्रो टीचिंग अप्रोच माइक्रो मतलब क्या होता है स्मॉल माइक्रो टीचिंग अप्रोच माइक्रो टीचिंग अप्रोच में टीचिंग एट स्मॉल लेवल जस्ट लाइक क्लास रूम टीचिंग अब उसमें क्या क्या अप्रोच आपका होना चाहिए अप्रोच मीन्स एटीट्यूड आइडिया ओके तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टीचर को है ना छोटे लेवल पे मास लेवल पे नहीं छोटे लेवल पे उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि वो सक्सेसफुली वो डिलीवर कर कर पाए अपने स्टूडेंट्स को जो कि होना चाहिए ठीक है ना ये बहुत आसान है इसमें कुछ चीज़ें हैं हम लोग पढ़ेंगे इसको मेथड्स ऑफ टीचिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग अब जो मैं यहां पर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं ये कौन सा मेथड है ये ऑनलाइन मेथड है डिजिटल मेथड है जहां पर मैं फिजिकली आपके पास नहीं हूं ना ही आप फिजिकली मेरे पास हैं लेकिन फिर भी ये प्रोसेस सक्सेसफुली हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टीचिंग एड जो एड प्रोवाइडेड है हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स के जरिए डिफरेंट ऐप्स के जरिए तो वो क्या है मेथड है ठीक है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में ठीक है और भी बहुत सारे मेथड है जैसे इंस्ट्रक्शन मेथड ये इंस्ट्रक्शन मेथड भी है मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं आप इंटरप्रेट कर रहे हैं ठीक है लेक्चर देखने के बाद से आप अपना रिव्यू देंगे आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे कि सर आपने ये जो बताया था जो फिफ्थ पॉइंट है तो मुझे ये समझ में नहीं आया उसको आप एक्सप्लेन कर दें पॉसिबली है बिल्कुल पॉसिबल है और होना भी चाहिए क्योंकि आपका लेवल मेरा लेवल डिफरेंट है मैं अपने हिसाब से अपने एटीट्यूड अपने अप्रोच के हिसाब से आपको डिलीवर कर रहा हूँ लेकिन आप जो उसको समझ रहे हैं वो अपने अप्रोच के हिसाब से समझ रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि, कि आप उस चीज़ को ज़्यादा ना समझ पाएं देन वाट शुड बी डन यू मे आज क्वेश्चन ओके तो ये एक मेथड है अब मेथड्स में इंस्ट्रक्शन मेथड हो गया जहाँ पे एक टीचर आता है क्लास में लेक्चर देता है न, बच्चे सुनते हैं लेक्चर मेथड हो गया एक टीचर आता है क्लास में वो एक टॉपिक है उस टॉपिक पर अपनी बात छेड़ता है शुरुआत करता है हाँ और सारे बच्चे अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं तो ये क्या हो गया पार्टिसिपेटिव मेथड हो गया सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको एक मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का ओके फिर टीचर अपनी बात कहता है और उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करके एक अपना व्यू पॉइंट रखता है डिस्कशन मेथड हो गया है ना डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि टीचर कोई सवाल पूछता है है ना क्लास में सवाल पूछता है डिस्कस करता है उसे बच्चों के साथ बच्चों का प्री नॉलेज देख चेक करने के लिए कि उनके पास पहले से नॉलेज है कि नहीं इस टॉपिक के बारे में या इस चैप्टर के बारे में फिर वहां से वो शुरू करता है वो लेवल देखता है बच्चों का कि कहां तक बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है उसके बाद से वो अपनी बात शुरू करता है ओके इंस्ट्रक्शन मेथड पार्टिसिपेटिव मेथड डिस्कशन मेथड ऑनलाइन मेथड असाइनमेंट मेथड ओके लर्निंग मेथड बहुत सारे मेथड्स हैं हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे ओके टीचिंग इंस्ट्रक्शंस नाउ अगेन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा चैप्टर्स मेथड के बाद अब हम आते हैं टीचिंग इंस्ट्रक्शंस पे टीचिंग इंस्ट्रक्शन पे जब हम आते हैं तो यहां पे हम ये पढ़ते हैं कि वॉट आर द डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स स्पीच लेक्चर ओके किस किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हम स्टडी मटेरियल दे सकते हैं ओके okay? हम रिसोर्सेज दे सकते हैं ठीक है ना और ये जो इंस्ट्रक्शन होता है इंस्ट्रक्शन मतलब टीचिंग टीचिंग इंस्ट्रक्शंस में कंटेंट कैसा होना चाहिए ना, इसकी साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं टीचिंग इंस्ट्रक्शंस ओके बेसिकली वॉट शुड बी द मेथड ऑफ योर इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग टीचिंग ठीक है okay? ना तो ये होता है टीचिंग इंस्ट्रक्शन ठीक है जब लेक्चर मेथड होता है हम टीचर जब कोई लेक्चर दे रहा होता है तो वो उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होने चाहिए ओके ना टीचिंग एक्सीलेंस अब आपको पता है हर प्रोफेशन में एक्सीलेंस की रिक्वायरमेंट एक डॉक्टर है वो मेडियोकर भी हो सकता है एक्सीलेंट डॉक्टर भी हो सकता है एक बिजनेस है सक्सेसफुल बिजनेस है अब आप अंबानी को या अडानी को किस कैटेगरी में रखते हैं दे आर हाईली सक्सेसफुल आप कोई बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस कितना प्रोग्रेस करेगा आप कितने सक्सेसफुल होंगे ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस के कौन कौन से रूल्स कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बिजनेस के कौन कौन से एथिक्स को आपने अपनाया है इस बात पे ये सक्सेस डिपेंड करती है वैसे ही एक टीचर को सक्सेसफुल होने के लिए इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या क्या मेथड्स अपनाने होंगे आपका अप्रोच क्या है आप कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने प्रोफेशन को लेकर के तो इसको हम बोलते हैं टीचिंग एक्सीलेंस ये कैसे डेवलप की जाती है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग देखिए हर प्रोफेशन में जैसे कि ने बताया इन एवरी प्रोफेशन एक्सीलेंस इज रिक्वायर्ड एक्सीलेंस इज डिमांडेड आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस जॉब के लिए आपको हायर किया गया हो उसमें आप बेस दें तो टीचिंग के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक सक्सेसफुल टीचर तभी कहलाते हैं कि जब आपकी बात आपके कंटेंट आपकी नॉलेज सारी चीज़ें आपसे स्टूडेंट तक ट्रांसफर हो जाती है सक्सेसफुली ओके okay? तो करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग में हम ये पढ़ते हैं क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए क्या फीचर्स होने चाहिए क्या क्या रोल्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पर एक अच्छे टीचिंग के लिए नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी अब हम साइकोलॉजिकल पार्ट पे आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी में आपको पता है साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड स्कॉट साइकोलॉजी ओके और ये साइकोलॉजी जब एजुकेशन से रिलेटेड होती है तो फिर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली स्टडी करते हैं अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्लास में जाते हैं बच्चों की साइकोलॉजी अलग होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में अप्रॉसीमेटली ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव का डिफरेंस होता है एज डिफरेंस है ना आप मेच्योर हो चुके होते हैं आप समझदार हो चुके होते हैं बच्चा तो बच्चा है मैं बात कर रहा हूँ स्कूल एजुकेशन की लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में आते हैं कॉलेज में आते हैं एलेवन ट्वेल्थ के बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट हो जाते हैं तब तक एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे होते हैं एडोलेसेंस भी होते हैं तो उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उस पीरियड में जो चीज़ें वो फेस करते हैं क्या उनको आप समझ पा रहे हैं थोड़े से और ऊपर चले आप यूनिवर्सिटी में आइए ग्रेजुएशन में आइए पोस्ट ग्रेजुएशन में आइए तब तक आप एडल्ट हो चुके हैं फुली मेच्योर हो चुके हैं तो आपके अंदर एक स्टेबिलिटी है हार्मोनल स्टेबिलिटी है ओके साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है स्टिल यू आर एन एडल्ट ठीक है तो यहाँ पर हमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है ठीक है कब बच्चा रिसेप्टिव मोड में होता है कब बच्चा एग्रेसिव होता है कब बच्चा नॉटी होता है किस कैसे उसको हैंडल करना है क्या क्या डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोटिवेशन है जो बच्चे को कुल करते हैं जो बच्चे को रिसेप्टिव मोड में लाते हैं कि वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी नेक्स्ट मैथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी अब इसका क्या क्या डिफरेंट मैथड्स हैं अब इसका सब्सिक्वेंट पार्ट ये है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना कम टू अलेवन रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशन वी ऑल नो अबाउट द कम्युनिकेशन ओके कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था इंग्लिश की क्लास में ओके okay, कम्युनिकेशन क्या है क्या क्या फीचर्स uh, होने चाहिए अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ओके okay? तो ये मैं यहाँ भी बताऊँगा रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशन सबसे बड़ा रोल है इनफैक्ट मेजर रोल है एजुकेशन में कम्युनिकेशन का ओके okay? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बोलना या सुनना कम्युनिकेशन इज मोर दैन दिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग इट्स अ टेक्निक ओके और एजुकेशन में बेसिकली इस प्रोफेशन में टीचिंग प्रोफेशन में कम्युनिकेशन का रोल क्या होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए आई विल गाइड यू आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट ऐट एजुकेशनल कम्युनिकेशन अब आ गए यहां पे हम लोग एजुकेशनल कम्युनिकेशन में ठीक है तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का रोल इफेक्टिव टीचिंग में क्या है और आप उस प्रोसेस को दैट मीज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आप चाहे ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो या रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो या वर्बल नॉन वर्बल कोई सा भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो इफेक्टिव कैसे होना चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे थर्टीन टीचिंग एज ए प्रोफेशन अब इस प्रोसेस को इस प्रोफेशन को यानी टीचिंग को एक प्रोफेशन कैसे बनाया जाए या एक इफेक्टिव प्रोफेशन ये कैसे बनेगा स्पेशली आपके लिए टीचर्स के लिए जो भी टीचर्स बनना चाह रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वट आर द डिफरेंट रेट्स वट आर द डिफरेंट क्वालिटीज ठीक है और इस प्रोफेशन को और डिग्निफाइड करने के लिए और ऑनररी बनाने के लिए रेस्पेक्टफुल बनाने के लिए टीचर्स की क्या जिम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे द नेचर ऑफ टीचिंग प्रोफेशन यहाँ पे कैसा नेचर होना चाहिए इस इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या है नेचर क्या है चैलेंजेस क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है एक टीचर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि इस प्रोफेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे हैंडल करें इफेक्टिवली ओके तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सिक्सटीन प्रोफेशनल एथिक्स अब आपको पता है कि हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं जैसे आपने अगर बिजनेस पढ़ा होगा तो बिजनेस एथिक्स होते हैं ओके ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं मैनिपुलेशन नहीं करना है आपको प्राइस में मैनिपुलेशन नहीं करना है डिफरेंट मार्केट सिचुएशन जैसे परफेक्ट कंपटीशन है मोनोपोलस्टिक है मोनोपोली है इनपरफेक्ट कंपटीशन है तो वहाँ पे आपको अपना प्राइस कैसे स्टेबलाइज करना है या कंट्रोल करना है जैसे अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में है कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए भी, भी बहुत सारे लीगल ऑब्लीगेशन हैं प्रोफेशनल ऑब्लीगेशन हैं जैसे आपने सुना होगा हॉस्पिटल वगैरह में जो तोड़ फोड़ होती हैं लोग डॉक्टर्स को मैन हैंडल करते हैं है ना तो कुछ केसेस आते हैं कि यहाँ से किडनी चुरा लिया गया तो यहाँ पे मेडिकल को स्टॉक दवाओं को स्टॉक कर लिया गया है तो कुछ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं सर्जरी करने के लिए है ना तो ये सारी क्या है वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको एक एथिक्स यानी मॉरल ऑब्लीगेशन को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है ना वैसे ही टीचिंग टीचिंग प्रोफेशन इज़ नॉट एन एक्सेप्शन ये भी उसी प्रोफेशन में आता है जहाँ पर एक प्रोफेशनल को यानी एक इफेक्टिव टीचर को एक ऑनेस्ट टीचर को क्या क्या चीज़ों को जहन में रखना पड़ता है क्या क्या ऑब्लिगेशन हैं क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जो उनको फॉलो करना है ये हो गया प्रोफेशनल एथिक्स नाउ रोल ऑफ टीचर ठीक है अब इसमें बहुत सारी फिलोसफीज हैं कि एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए ओके स्पेशली ऑल द पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द टीचर कि वो उनके बच्चों को गाइड करे वो उनको बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दे उनके बच्चों को डॉक्टर बना दे इंजीनियर बना दे लॉयर बना दे टीचर बना दे सब कुछ बना दे ठीक है ना तो रोल मॉडल यही है क्योंकि बच्चा ज़्यादातर वक्त छः से सात घंटे का वक्त टीचर के साथ गुजारता है तो एक टीचर को आइडियल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए कैसे वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं और बैलेंस करते हैं ठीक है ना उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए उनका वे ऑफ़ डीलिंग क्या होना चाहिए वे ऑफ़ इंटरेक्शन क्या होना चाहिए तो यह सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर में कैसे एक अच्छा टीचर सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करता है सोसाइटी को बिल्ड करता है कैसे एक अच्छा टीचर अपनी टीचिंग से अपनी नॉलेज से ग्रूमिंग करता है बच्चों को इवॉल्व करता है अपने स्टूडेंट्स को इवॉल्व करके फिर इनको उनके ताकत का एहसास दिलाता है उनके पोटेंशियल को रियलाइज कराता है ओके दिस इज द रोल ऑफ ए टीचर टू अंड्रेवल और टू अंड द हिडन पोटेंशियल ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनी टीचर ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है किसी टीचर का डेवलपमेंट ऑफ टीचर अब ये सारी चीजें एक टीचर करता तो है लेकिन फिर टीचर का डेवलपमेंट कैसे होगा ओके okay? अगर कोई डॉक्टर बीमार है तो वो पेशेंट को क्या ट्रीट करेगा ओके okay? तो यही बात यहां पर डेवलपमेंट ऑफ टीचर ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ये रातों रात नहीं सीखी जाती कहते ना रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे इट टेक्स टाइम किसी भी चीज को अपना बेस्ट अपने बेस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है ओके okay? डायमंड जब माइंस में पाए जाते हैं तो उसी शेप में नहीं होते हैं उनकी कटिंग की जाती है ओके okay? ग्राइंडिंग की जाती है डिफरेंट पॉलिशिंग होती है उनकी तब जाके वो डायमंड होता है विट टेक्स टाइम ठीक है ना रात रात कोई अच्छा टीचर नहीं बनता ठीक है ना एक्सपीरियंस नॉलेज इंटरेक्शन ड्रॉबैक्स ओके एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर्स ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे टीचर को इवॉल्व करती हैं ठीक है तो उस प्रोसेस के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टीचर ठीक है लास्ट में एक टॉपिक है ट्रेनिंग ऑफ टीचर वी टू नीड ट्रेनिंग्स टीचर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है भाई कोई भी प्रोफेशनल हो वो सिर्फ किताबें पढ़ के प्रोफेशनल नहीं बन जाता उनकी ग्रूमिंग होती है गाइडेंस होता है ओके जब एक छोटा बच्चा क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो अपने से खेल लेता है वो अपने से सारे स्किल सीख लेता है नहीं उसको एक कोच चाहिए होता है हु? जब उसको कोच चाहिए होगा जब तो कोच उसको गाइड करेगा टेक्निकल चीज़ों को बताएगा उसको बताएगा कि बैट कैसे पकड़ना है कैसे किस बॉल को फेस करना है ठीक है उसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं उनके भी टीचर्स होते हैं वो भी तो कभी स्टूडेंट रहे होते हैं लेकिन जब आप टीचर बन जाते हैं तो टीचर बनने के बाद से और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होती है ठीक है आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने नॉलेज को कितना अपडेट किया है कितना अपग्रेड किया है वो भी है ठीक है ना आपके पास कितना एक्सपीरियंस है आपने कितने स्टूडेंट्स को हैंडल किया है ओके okay? किस सिचुएशन में आपने पढ़ाया है ओके okay? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पढ़ते हैं ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स में क्या क्या मेथड्स हैं जैसे स्कूल में कॉलेजेस में सेमिनार्स होते हैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है स्टाफ कॉलेज होता है यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी में भी है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जहाँ हर साल गैदरेड टीचर्स रजिस्टर्ड टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उनको बताया जाता है कि अब आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ लेटेस्ट नॉलेज के साथ करेंट मॉडिफिकेशंस के साथ कैसे बच्चों को डील करना है बिकॉज द टाइम इज़ चेंजिंग हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में जी रहे होते हैं जब हम स्टूडेंट रहे होते हैं जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होती हो है तो वो वो टाइम अब के टाइम में अलग होता है जब हमें मौका मिलता है अपने बच्चों को पढ़ाने का तब टाइम चेंज हो चुका रहता है ठीक है तो जिस मेथड से हमारे टीचर ने हमें बताया पढ़ाया उसी मेथड या उसी टेक्निक से मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता ठीक है ना अब जैसे ये ऑनलाइन क्लास है डिजिटल क्लास चल रही है ये तब नहीं था अब है अब रिक्वायरमेंट है तो जब ये रिक्वायरमेंट बन गई तो इसको इफेक्टिवली करना चाहिए तो यही है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ओके टेक्निकल चीजों से एक्विप कराना लेटेस्ट गैजेट से उनको अपग्रेड कराना तो ये सारे पॉइंट्स आ गए ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स में सो आई होप ऑल द टॉपिक ऑल द चैप्टर्स ऑफ़ दिस सब्जेक्ट टीचिंग एंड हायर एजुकेशन इज क्लियर टू ओके बिकॉज आई हैव ट्राई टू गिव यू स्मॉल इंट्रोक्शन अबाउट एवरी चैप्टर यहां पर मैंने कुछ पढ़ाना शुरू नहीं किया अभी मैं, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और आप कोई सा बुक कंसल्ट कर सकते हैं ओके okay? सबसे पहली बात यू मस्ट शो योर इंटरेस्ट आपने अगर अप्लाई किया है बी एड के लिए इफ यू आर रियली विलिंग टू बी अ ग्रेट टीचर दैन दिस कोर्स इज मैंडेटरी ये कोर्स आपको करना ही होगा तभी आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आगे एक नहीं हजारों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज तो सिर्फ आपके लिए हैं जिन्होंने बी किया हुआ है ओके ओके सो प्लीज़ डोंट डोंट सिट आइडल बी एनर्जेटिक बी पैशनेट बी एंथोसिया एंड अब ऑल बी इंटरेस्टेड इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग बिकॉज इंडिया नीड्स ग्रेट टीचर्स एंड यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन दैट ओके एंड आई विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू फेस वाइल प्रिपरेशन फॉर यंट्रेंस